दोस्तों आज के टाइम में हर कोई चाहता है यार कि उसके पास एक ना रूपी का क्रेडिट कार्ड हो। और देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पर जो है मात्र 5 मिनट में घर बैठे मैंने यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड के अप्लाई किया था और 7 दिन के अंदर अंदर ये रूपी का क्रेडिट कार्ड मेरे घर के एड्रेस पर मुझे डिलीवर हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी यहाँ पर इसकी किट है जो कि मुझे मिली है और कैसे आपको अप्लाई करना है इस कार्ड के लिए, क्या क्या आपको इसके फायदे मिलने वाले हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और सबसे कमाल की बात गाइस, जैसा आप सभी जानते हैं कि यहां पर रूपी क्रेडिट कार्ड का एक सबसे बड़ा जो फायदा है, एडवांटेज है, वो है कि जितने भी यूपीआई एप्लीकेशंस हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम और भी बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन है, वहां पर यार अपने आप जो है रूपी क्रेडिट कार्ड को लिंक करके ना आसानी से यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं और ये एकदम फ्री है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर टाटा का क्रेडिट कार्ड मैंने इसलिए बनवाया था, टाटा नियो का, क्योंकि यहाँ पर आपको 1% का जो है टाटा नियो कोइंस भी मिलते हैं, जिस कोइंस को आप जो है यहाँ पर टाटा नियो की एप्लीकेशन में जो है रिडीम कर पाएंगे। बहुत सारे वहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं जिन आइटम को आप खरीद कर वहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं, चलो वो तो अलग चीज़ है। बट गाइज कैसे आपको, बेसिकली मैंने मेन चीज़ जो लिया था वो लिया था, मुझे रुपी का क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना था अपने यूपीआई पेमेंट करने में। तो कैसे आपको अप्लाई करना है चलिए जानते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन पर टाटा नियो की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां पर जो है अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर पाएंगे डाउनलोड करने के बाद। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी यहां पर लॉगिन करके रखा हुआ है, तो सिंपली मैं यहां पर एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और सबसे नीचे आप देखिएगा होम पेज पर आपको मिलेगा लोन एंड कार्ड, यहां पर आपको लोन एंड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आएगा और नीचे आपको नजर आएगा यहां पर क्रेडिट कार्ड्स का एक ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहां पर जो है एक और पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहां पर दो अलग अलग टाइप्स के यहां पर क्रेडिट कार्ड नजर आएंगे। पहला कार्ड है इन्फिनिटी का और इन्फिनिटी में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, जैसे कि यहां पर 10% 10% आपको न्यू कॉइन्स मिलेगा। इसके अलावा यहां पर जो जो बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप यहां पर जो है टाटा के ब्रांड्स में परचेसिंग करते हैं तो आपको यहां पर 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यहां पर बिल पेमेंट करने और रिचार्ज पेमेंट करने पर यहां पर आपको जो है टाटा कॉइन्स मिल जाएंगे 5% का। इसके अलावा अगर आप अदर यहां पर स्पेंड करते हैं, जैसे कि आप अपनी गाड़ी में, स्कूटी, बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं या फिर आप जो है बाकी चीज करते हैं, रेंट पे करते हैं, गवर्नमेंट फीस पे करते हैं, ईएमआई करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 1.5% का 1.5% का डिस्काउंट मिल जाता है। यहां पर गाइस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप यहां पर नीचे आएंगे लास्ट में, तो यहां पर दिया गया है कि जो इसका जो है ज्वाइनिंग फीस है जब आप इस क्रेडिट कार्ड को बनाते हैं बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर इसको यूज करते हैं, इसको रिन्यू करवाते हैं, तो गाइज यहां पर जो है 1499 रुपए का इसका नेक्स्ट ईयर का आपको पेमेंट करना होगा। फर्स्ट ईयर ये फ्री है, लेकिन गाइज यहां पर ना एक पेज है छोटा सा कि आप यहां पर अगर 3 लाख रुपए का यूज कर लेते हैं पूरे साल में, तो यहां पर सेकेंड ईयर का फीस भी आपका माफ कर दिया जाएगा, यानी कि आपको कोई भी यहां पर जो है 1499 की फीस नहीं देनी पड़ेगी। बट गाइज इसके चार्जेस ज्यादा हैं, इसलिए हम इस कार्ड को यूज नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहां पर आपको टॉप कॉर्नर पर दिखेगा एक प्लस क्रेडिट कार्ड, तो आपको प्लस के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब इस कार्ड के क्या क्या फायदे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर 7% का आपको न्यू कॉइन्स मिलेगा। इसके अलावा यहां पर 2% आपको कैशबैक मिलता है टाटा ब्रांड्स, जो इनके टाटा के ब्रांड्स होते हैं। इसके अलावा बिल पेमेंट करने पर, रिचार्ज करने पर आपको टाटा न्यू कॉइन मिल जाएंगे 2% के और 1% का अदर पेमेंट करने पर। तो गाइज ये कार्ड मेरे हिसाब से बेस्ट है, बिकॉज हमें तो यूपीआई में ज्यादातर यूज करना है और ज्यादातर शॉपिंग में करते हैं, तो शॉपिंग टाटा न्यू पे ही आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे एक नाउ मोर का एक ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सारे की सारी यहां पर जो इस क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या चार्जेस हैं, सारे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप रीड कर लेना बाद में। अब हम यहाँ पर बैक आ चुके हैं और हमें क्लिक करना है चेक माई एलिजिबिलिटी, और जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, एंटर कर लेना है। चलिए हम यहां पर पैन नंबर अपना एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आप इस बॉक्स को यहां पर टिक करेंगे और यहां पर जो है सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके पास HDFC बैंक की तरफ से एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, उस OTP को आप यहां पर फिलअप करेंगे। OTP फिलअप
करते ही यहाँ पर सबमिट हो जाता है। इस तरीके से आपके सारे के सारे यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, जैसा कि आपका पैन कार्ड नंबर, आपका पूरा नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका ईमेल आईडी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको आई हैव ए रेफरल कोड दिखेगा, तो इसको आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आना है आपको लास्ट में और यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन है, तो आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल एक कंपनी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब क्रिएटर हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डायरेक्टली यूट्यूब क्रिएटर, और आप जो भी प्रोफेशन आपका है आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे से प्रोसीड पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर जो है 90 सेकेंड्स का जो है यहाँ पर टाइमर चलेगा। आपको बिल्कुल भी इस पेज को छेड़ना नहीं है, रिफ्रेश नहीं करना है, बिल्कुल आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद आपके सामने ऑटोमेटिकली एक पेज इस तरीके से यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप टॉप कॉर्नर पर देखिएगा, सुपर योर क्रेडिट लिमिट इज अप टू 40,000 रुपए, यानी कि 40,000 रुपए तक की लिमिट मुझे मिल सकती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ये लिमिटेड टाइम का पीरियड है, हो सकता है आप बाद में यहाँ पर चार्जेस पे करना पड़े। फिलहाल यहाँ पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी फ्री है। उसके बाद गाइज हम नीचे से यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। अगर आपका HDFC बैंक में ऑलरेडी बैंक अकाउंट है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एड्रेस बैंक अकाउंट से उठा लेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन गाइज अगर आपने अब तक यहाँ पर एड्रेस नहीं फिलअप किया है, तो आप यहां पर अपना एक नया एड्रेस फिलअप कर लेना, ऐड न्यू एड्रेस आ जाएगा ऑप्शन से यहां पर, और आप चाहे तो इस एड्रेस को भी अपडेट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। ऊपर एक एडिट का एक ऑप्शन है, आप सिंपली एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका करंट का एड्रेस है, जहां पर अभी आप रह रहे हैं, वहां का एड्रेस आप यहां पर फिलअप कर देना। तो यहां पर दोस्तों हमारा एड्रेस बिल्कुल सही है, हम नीचे से इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और यहां पर अब बताया जा रहा है कि ये लास्ट स्टेप है, और यहां पर आपको करना यह है गाइस कि अगर आपका पहले से अकाउंट है HDFC बैंक में, तो यहां पर बताया जा रहा है कि आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्टली HDFC बैंक की जो है वेबसाइट पर, ठीक है। तो हम यहां पर नीचे से प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। हमारे पास यहां पर HDFC बैंक की वेबसाइट खुलकर आ चुकी है। आप यहां पर डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्तों का अकाउंट नहीं होंगे HDFC बैंक में, जिनके पास ना तो अकाउंट है ना ही क्रेडिट कार्ड है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो गाइस आपको करना यह है कि जो स्टेप यहां पर दिखा रहा था ना, वो स्टेप आपके पास नहीं आएगा, आपके पास स्टेप कुछ और आएगा, आप उसको फॉलो कर लेना, बाकी का स्टेप सेम टू सेम है। तो चलिए हम यहां पर जो है अपने बैंक अकाउंट को नेट बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई करा लेते हैं। आप चाहे तो अपना ATM कार्ड के थ्रू करा सकते हैं। तो यहां पर मैंने अपना नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक किया। जैसे मैं यहां पर लॉगिन करूंगा, डायरेक्टली यहां पर थोड़ा सा वेट करना है, 30 सेकंड का टाइमर चलेगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अभी यहां पर जो है आपकी डिटेल्स फेच कर रही है, और यहां पर जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहां पर आप देखिएगा आवर पार्टनर बैंक में बी टेक टू 5 to 7 वर्किंग डेज, यानी कि यहां पर बताया जा रहा है कि 5 से 7 दिन का टाइम लग सकता है वेरीफाई करने में, लेकिन दोस्तों ये 2 से 3 दिन में ये वेरीफाई हो जाता है, यानी कि टाटा जो कंपनी है वो बैंक के थ्रू इसको वेरीफाई करती है कि एक्चुअल में ये बिल्कुल कस्टमर बिल्कुल सही है, जेन्यून है या नहीं है। अब देखिए जो भी आप कार्ड अप्लाई करते हैं ना, उसको आपको स्टेटस कैसे चेक करना है कि अभी क्या कंडीशन है, अप्रूव हुआ नहीं हुआ है, तो आपको टाटा न्यू ऐप को ओपन करना है और नीचे आपको लोन एंड कार्ड पे क्लिक करना है। दोबारा से आप यहां पर क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर थोड़ा वेट करना है। अगर गाइस आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस आ जाता है, तो यहां पर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो चुका है, इट मींस कि आपका क्रेडिट कार्ड डिस्पैच कर दिया जाएगा। और स्टार्टिंग में दोस्तों 5 से 7 दिन का यहां पर लिमिट होता है, मात्र 5,000 रुपए का, और यहां पर आप अपने कार्ड की जो है ट्रांजेक्शन को मैनेज कर पाएंगे। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो आप इसको ऑन कर देना डोमेस्टिक में। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है नहीं करना चाहते, इसको ऑफ रख लेना, आउटलेट तो अपने हिसाब से आप इसको ऑन ऑफ कर लेना गाइज, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल की यहाँ पर जो है, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल किसी वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, तो आप इसको ऑन करना, बट मेरे हिसाब से इंटरनेशनल वाली हमेशा आप ऑफ रखा करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो बाकी चीजें यहाँ पर गाइज इस तरीके से आपका कार्ड अप्लाई हो जाता है और 5 से 7 दिन में जो है आपके घर के एड्रेस पर आपका कार्ड मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों टाटा न्यू का जो रुपी क्रेडिट कार्ड है ना, इसका आपको जो है पिन कैसे जनरेट करना है घर बैठे, इस पर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपको वीडियो देखना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं।